गोवंडी शिवाजी नगर बैंगनवाड़ी के अवैध बांधकाम। गोवंडी के शिवाजी नगर में और बैंगनवाड़ी में अवैध तरीके से बांधकाम चालू है। बिना किसी डर से धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध बांधकाम। इन अवैध बांधकामों के खतरे को लेकर हमने कई बार प्रशासन को जगाने की कोशिश की है, किंतु इन अवैध बांधकामों को देखकर ऐसा ही लगता है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। नहीं है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों को प्रशासन का डर। आखिर कब होगी कार्रवाई? इन अवैध बांधकामों को सरकार से 16 फीट के बांधकामों की अनुमति है, पर यहाँ बिना किसी खौफ के धड़ल्ले से अवैध बांधकाम चालू है। इन अवैध बांधकामों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बीएमसी के कुछ उच्च अधिकारियों का भी इन अवैध बांधकामों में हाथ है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्टर का कहां पर अवैध बांधकाम चालू है। ये जो आप अवैध बांधकाम देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर वसीम का है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से इस मकान में दरार आ गई है, ये कभी भी गिर सकता है। साथ ही अपने आसपास के और कई मकानों को साथ में लेकर गिरेगा। जो लोग इसमें रह रहे हैं, उनके जान को खतरा है। साथ ही इन अवैध बांधकामों के पास में बने मकान में रह रहे लोगों की जान को भी खतरा है। अगर ये मकान गिर जाता है और यहाँ और किसी प्रकार का हादसा हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टर वसीम या बीएमसी, या यहाँ के आमदार अबू हासिम आजमी, या खासदार किरीट सोमैया, जो ऐसे बांधकामों को धड़ल्ले से बनने दे रहे हैं। वसीम कॉन्ट्रैक्टर के और भी कई अवैध बांधकाम चालू है। शिवाजी नगर प्लॉट नंबर 17 लाइन एल मकान नंबर 9 और 10। आइए अब इस अवैध बांधकामों को गौर से देखिए। यह है बैंगनवाड़ी में कॉन्ट्रैक्टर अब्दुल्ला द्वारा बनाया गया अवैध बांधकाम। इस मकान को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई झोपड़ा नहीं बल्कि कोई बिल्डिंग हो। इसकी ऊंचाई ही तो देखो, ये बिना बीएमसी अधिकारियों की भगत से इतना ऊंचा मकान बन ही नहीं सकता। इस मकान को भी देखिए, ये भी कॉन्ट्रैक्टर अब्दुल्ला ही बना रहा है। गौर से देखिए किस तरह से प्लास्टिक से ढककर इस अवैध बांधकाम को अंजाम दिया जा रहा है। क्या ये बीएमसी को दिखाई नहीं दे रहा है? दिख तो रहा है, पर ऐसा लगता है कि बीएमसी के अधिकारियों की आंखों पर नोटों की पट्टी बांध रखी है। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, तो इस अवैध बांधकाम को देखकर ऐसा ही लग रहा है। आइए अब इस अवैध मकान को देखिए। यह है कॉन्ट्रैक्टर तूफेल और इस्माइल द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लाखों रुपए लेते हैं और बीएमसी के कुछ अधिकारियों की मदद से बनते हैं। हमारी बीएमसी के ऐसे अधिकारियों पर भी नजर है, जो इस फर्जीवाड़े में इन कॉन्ट्रैक्टरों को मदद कर रहे हैं। जल्दी हम प्रशासन को उनके नाम भी बताएंगे, ताकि उन बीएमसी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो और ऐसे अवैध बांधकामों पर भी रोक लगे। अब इस मकान को देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर फिरोज का, जिसे देख ऐसा लगता है कि शिवाजी नगर में कोई बंगलो बन रहा है। ये सब देखकर अनदेखा किया जाता है, क्योंकि बीएमसी के अधिकारियों ने तो अपनी आंखें बंद रखी है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बीएमसी एम ईस्ट वार्ड के ऑफिसर श्रीनिवास खिलजी का मानो इनके सर पर हाथ हो। इस अवैध बांधकामों को अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्टरों की लंबी लिस्ट है। आइए आपको बताते हैं उनका नाम, जैसे चुन्नू, अकबर, रेहान, शमशाद, अख्तर, मोबिन, अब्दुल्ला, वसीम, आदिल, तूफेल और इस्माइल। अगर इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, तो यहाँ ऐसे हजारों अवैध बांधकाम और बनते रहेंगे और आने वाले समय में दुर्घटना बड़ी होने की आशंका है।
गोवंडी से मोहम्मद नजीर हुसैन की रिपोर्ट, आपका न्यूज मुंबई। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।